एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यस। सो कैसे हो सारे बच्चे? ओके तन्नू जान। अच्छा यहाँ पर देखो जरा, क्या जान जानेवन जानिसार चल रहा है। दीपिका सिस, यार कहाँ रहते हो आप, आती ही नहीं। अरे आ जाया करो भैया, आइंस्टीन चचा भी आया आज, क्या बात। रस्टी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा रस्टी, और बताओ के हाल चाल सबके। लव यू ऑल बच्चा। जी मैम। अच्छा अनुष्का टेक्निकल गेमर, हाय मैम। हेलो बच्चा अंकिता, अनुष्का, अमन, उज्जवल। ठीक है बच्चा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास, तुम लोग बताओ क्या कर रहे हो। तो चलो बच्चा करते हैं आज सेशन स्टार्ट। ठीक है, ये हमारे चंचल, सैम, अंशिका मैम, हाय फर्स्ट क्लास बच्चा, वेलकम हियर इन द वेदांतु। तो बच्चा मजा आएगा, है ना। व्हाट्स अप मैम, ऑसम, ऑल गुड। तुम लोग बताओ व्हाट्स अप, लव यू मैम, लव यू ऑल बच्चा। मैम सुबह की क्लास में मजा आ गया था। ओह दैट्स नाइस सौरभ। तो डोंट वरी, अभी तो हमने कॉकरोच पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉकरोच। तो बिल्कुल यहाँ पर कॉकरोच में रुचिका बोल रही मैम, इट्स माय फर्स्ट। हेलो पिक ऑफ द डे, कैसा है बच्चा? प्रकृति, पिक ऑफ द डे कहाँ है आजकल? एलन मस्क, कॉनिचीवा मैम, आई वाज एब्सेंट मॉर्निंग क्लास में, स्टमक एब्सेंट था। अरे भाई क्या हो गया, पेट खराब? आई एम इन योर क्लास। हेलो मेघा, फर्स्ट क्लास है बच्चा, तो वेलकम मैम। मेरा हेल्प नहीं करेंगे? अरे मेरे प्यारे बच्चे सबकी हेल्प करेंगे, बताओ। बाबू बबलू क्यूट मैम का क्या, कॉकरोच कॉकरोच बनेंगे? हाँ या क्यूट, हाउ यू, गुड इवनिंग। अरे इतने सारे, कैन क्रॉस क्या होता है मैम? कंक्रोच, अरे कांक्रोच, कांक्रोच नहीं होता, कॉकरोच का दूसरा नाम कांक्रोच होता है। मेंटी कब होगा बच्चा? दुर्गेश मेंटी कल होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चा उज्जवल। सो एरम, एलिश, खुशी, रिधि, इट्स आइंस्टीन, देख रहे हो आइंस्टाइन चचा भी आए। सूर्या, हाउ यू मैम बच्चा, आई एम गुड। इस क्वेश्चन से कंटिन्यू बेटा, अमन होगा, उनकी क्लास में जाना बेटा, 10 बजे क्लास होती है सर की, ठीक है। उसके बाद तिल चट्टा, ये देखो जरा अनुष्का ने कहा इसका नाम तिल चट्टा है, तो बच्चा कॉकरोच का हिंदी में नाम तिल चट्टा होता है। एग्जैक्टली, तो हम देख रहे हो चटोरे जैसा, तो आधे तो हमारे बच्चे भी खूब चटोरे होंगे। तो बस ये कॉकरोच भी तिल चट्टा है, हमारा प्यार प्यारा तिल चट्टा। अच्छा, योर टीचिंग इज वेरी बेस्ट बेस्ट मैम, थैंक्स लॉट बच्चा प्रतीक। तो यस शिखा, शिवानी बच्चा, आई एम मैम गुड। तुम लोग बताओ, रवि मजा आ गया मैम, स्टार्ट करो। ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट लाइव क्लास। हेलो बच्चा शिखा, तो मन नहीं होता उस टाइम, प्लीज मैम। अरे बच्चे क्या करें बता, क्या करें तेरे लिए, है ना। तो पहले तो यहाँ पर एक एक लाइक कर दो सारे बच्चे। तो यहाँ पर देखो बच्चे, आज हम कॉकरोच स्टार्ट करने वाले। देख रहे हो कॉकरोच की शक्ल, डर तो नहीं लगता तुम लोगों को कॉकरोच से? देखो बच्चा, कॉकरोच एक ऐसा क्रिएचर है ना, जो हमारे आसपास हमें दिख ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो क्या बोलते हैं, आज सुबह सुबह ही मैं उससे मिल रही थी, कॉकरोच आया था मिलने, तो मैंने कहा बेटा आज तो तेरे को ही पढ़ा रहे, तो फिर ऐसा सुनकर वो भाग गया एकदम से। तो मैंने कहा ये क्यों ऑफेंड हो गया, है ना। तो फिर वो भाग गया, फिर दूसरा कॉकरोच भी मिला था मुझे, मैंने कहा आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे बारे में, तो वो शायद खुश हो गया था, तो वो नाचने की जैसे कुछ घूम रहा था इधर उधर, तो मुझे लगा खुश हो गया शायद ये। तो बच्चा हम वन शॉट में आज कॉकरोच कंप्लीट करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का पार्ट है। सो यस, यहाँ पर आगे जाने से पहले हम बोर्ड की स्कीम रोज बताते हैं। आई एम अटेंडिंग लेक्चर इन एन इनएक्टिव इन चैट फॉर्म। ओके बच्चा, गौचा, उसको पकड़ के फेंक देते हैं। अच्छा उसको पकड़ के फेंक देते हैं? नहीं, मैं तो उससे बातें करती हूँ, है ना। तो अर्थ अर्थवर्म और फ्रॉग डिलीटेड। हाँ बच्चा एलिश नहीं पढ़ेंगे, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो वोट देखो अब तक रट जाना चाहिए भाई, फ्री एग्जाम है, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिससे तुम लोग अच्छे से पढ़ो और ज्यादा इंप्रूव करो। गारंटेड स्कॉलरशिप है, हर दिन क्विज खेलो और गिफ्ट जीतो, एक दिन के सीईओ बनने का मौका वेदांतों का, नासा ट्रिप अमेरिका जाने का मौका, यस ड्रोन्स, टेलीस्कोप, लैपटॉप्स, बहुत सारी चीजें, गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट मिलेंगे, है ना। तो बच्चा यहाँ पर कॉइन कलेक्ट करो और अपने गिफ्ट लेकर जाओ। उसके बाद रजिस्टर करना है, यहाँ पर वोट डेट को पिकअप करना है, और वोटर आईडी कार्ड को बेटा कर दो स्टोरी पर अपना, चिपका दो सारे, ठीक है। लड़कियां तो बहुत डरती हैं कॉकरोच से। अच्छा नहीं मैम, उसकी लैंग्वेज नहीं आती हमें, कॉकरोच की लैंग्वेज नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे हम, है ना। उसके बाद बच्चा ऐप को डाउनलोड करो, ऐसा कुछ पेज दिखेगा ऐप पर ही, उसके रजिस्टर करो वोट के लिए, या फिर यहाँ पर इसके नीचे क्या बोलते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा डिट्टो ऐसी लिंक होगी, क्लिक करोगे तो सेम ऐसा पेज खुल जाएगा, तो बेटा कर देना खुद को रजिस्टर। फिर 11th का सिलेबस हमें पता है बेटा, 90 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, बायोलॉजी के 46, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के 22,
4 मिलेंगे सही पर, -1 काट लिए जाएंगे गलत आंसर पर, सिर्फ 90 मिनट मिलेगा बचा। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। जो हमारे प्यारे प्यारे 12th के बच्चे हैं उनके 180 क्वेश्चन होंगे 180 मिनट में, 4 मार्क्स सही के लिए और -1 गलत आंसर के लिए काट लिए जाएंगे। ठीक है, स्क्वाड फ्रेंड सर्कल बनाओ, गिफ्ट क्या बोलते हैं कॉइन्स कलेक्ट करो और गिफ्ट लेकर जाओ। तो यस बच्चा, ये बिल्कुल पबजी वाला है ना सिस्टम यहाँ पर। उसके बाद जो अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम न्यू है न्यू है न्यू है, तो बच्चा यहाँ पर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर जो है वेदांतो फैमिली का पार्ट बनिए हक से, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो ऐसा लिखा होगा बेटा पेज पर, सब्सक्राइब कर दो उसको, बेल आइकन दबाकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी क्लास की, कौन सी क्लास कब होने वाली है, तो पूरी नोटिफिकेशन आएगी, मिस मत करो, पढ़ते रहो। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर जो है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बेटा ज्वाइन कर लो, जिसने नहीं ज्वाइन किया जल्दी से। ठीक है, आज तो थक गए होंगे आप बहुत, अरे ये देखो अलग ही चल रहा है यहाँ पर, तो अलग ही। तो नीट ऑफिशियल ग्रुप को बच्चा यहाँ पर लिंक दिया हुआ है नीचे, डिट्टो ऐसी एक लिंक दी होगी बेटा, उसको क्लिक करके पहुंच जाओगे आप नीट ऑफिशियल ग्रुप में, और बी द मेंबर ऑफ द वेदांत ऑफिशियल ग्रुप। वहां पर जितना पढ़ाया जा रहा है सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, उसके अलावा बच्चे वहां पर नोटिफिकेशन मिलती है, क्विजेज होते हैं, और वेदांतों की टी शर्ट जीतने का मौका भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए जी आगे, ये है पूरा आज का स्केड्यूल। तो उसमें आज चल रही है बायोलॉजी की क्लास, फिर जूलॉजी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लो जी पढ़ते रहो तुम लोग, है ना। तो चलो फिर आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, तो स्टार्ट करते हैं कांकरोच को, है ना। तो तैयार हो सारे कॉकरोच पढ़ने के लिए, तो बच्चा चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा कॉकरोच, और उसकी क्लासिफिकेशन पहले हम पढ़ेंगे। तो बेटा कॉकरोच हम आसपास देखते हैं, है ना। तो मैम आज नेट भी खत्म हो गया, अरे कोई बात नहीं बच्चा सौरव, है ना। हाँ ये देखो भाई नाम भी आए हैं कॉकरोच, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, खुद के बारे में जानने आए, कैन स्टडी में जस्ट डोंट हार्म मी। तो देख रहे हो ये शायद वही कॉकरोच है बेटा, देखो चैट बॉक्स में एक कॉकरोच पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है, मेरे ख्याल से वो ये वही कॉकरोच है जो सुबह में कह रहे थे बड़ा खुश था। तो देख रहे हो मैंने इसको बोला था आज तुम्हें पढ़ने वाले, तो ये देख रहा है आज मैं सेलिब्रिटी, मतलब इसको पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ देख रहे हो, तो आप मानते हो कि नहीं मानते, ये मेरी भाषा समझते हैं और क्या बोलते हैं, देखो आ भी गए, चलो थैंक यू कॉकरोच। तो बेटा चल सुन ले तू भी अपने बारे में, ठीक है बच्चों। कॉकरोच को किसी को कुछ मैसेज देना है तो दे सकते हैं, देखो आज हमारी चैट बॉक्स में कॉकरोच जी भी आए हैं, ठीक है। तो हाँ कॉकरोच भी आए, ये वही वाला कॉकरोच है जो सुबह मेरे से बात करके नाच रहा था, ठीक है। तो किसी को अगर कोई बात करनी है इन कॉकरोच से तो बिल्कुल कर दो, हाय बाय सब कर दो इसको, है ना। क्या कॉकरोच मैं ठूकन क्या क्या है थूकने मार दूंगा, अच्छा तुम्हें मार दूंगा, अरे 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 देखो ऑफेंड नहीं बेटा, ऐसे ऑफेंड मत करो कॉकरोच को, मैम 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 हाँ बोल बच्चा टेक्निकल, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे, तो मुझे जल्दी बताओ कौन से किंगडम से है हमारा कॉकरोच भाई। तो बच्चा कॉकरोच भाई हमारे कौन से किंगडम से है, एनिमेलिया, यस ये है जानवर। तो देखो हम भी जानवर ही हैं, हम भी किंगडम एनिमेलिया के ही पार्ट है, तो देखो हमारा भाई तो है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बेटा कॉकरोच ऑफेंड मत होना, ठीक है, तो यहाँ पर तुम हमारे भाई हो, ठीक है। तो बोल दो बच्चा तुम हमारा दोस्त हो। फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडिजेस, हाँ जी कॉकरोच के जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी ऐसी जुड़ी हुई होती है छोटे छोटे सेगमेंट से, चाहे उसके हाथ देखो चाहे उसके पैर देखो, मतलब लेग्स देखो, है ना, फोर लेग्स देखो, यहाँ पर हाइंड लिम्स देखो, या फिर उसके यहाँ पर आंखों में भी देखोगे तो बहुत सारे छोटे 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 ओमेटीडिया लगे होते हैं, अगर उसके एंटीना देखोगे तो एंटीना में भी छोटे छोटे सेगमेंट जुड़े हुए होते हैं, तो मतलब पूरी बॉडी ऐसे जुड़ी हुई होती है ना। उसके बाद फाइलम तो ठीक है आर्थ्रोपोडा हो गया, और बताओ जरा इसके बारे में क्लास कौन सी होती है बच्चा इसकी जल्दी, यस यस एब्सोल्युटली इंसेक्टा और हेक्सापोडा, हेक्सा मतलब 6 पैर होते हैं इसके, है ना। तो बच्चा यहाँ पर याद रखना कि हेक्सापोडा भी इसका नाम होता है। उसके अलावा ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा होता है बच्चा जल्दी बता दो, ऑर्थोप्टेरा, यस यहाँ पर ये इसका ऑर्डर है। उसके अलावा यहाँ पर जीनस होता है पेरीप्लैनेटा, देखो वो आ रहे हैं, आए ना कॉकरोच अपना नाम लिखकर आए, अब वो भी क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम लिखकर आए, तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना हमारी आज चैट बॉक्स में भी है, जिसको जो मैसेज देना है कॉकरोच को दे सकता है बेटा, ये यस। तो यहाँ पर जो स्पीशीज है बच्चा वो क्या है, अमेरिकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली ये है इसकी क्लासिफिकेशन, जो मेरे प्यारे बच्चों को याद भी रखनी है हमारी कॉकरोच जी के बारे में।
तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच पढ़ते हैं आप, ठीक है, कि कॉकरोच की बनावट कैसी है। तो ऑब्वियसली बात है, इनका नाम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, फाइलम हमने देख लिया, क्लास इसका देख लिया। ये रातों को जगने वाले हैं, हाँ बच्चा, नॉक्टर्नल मतलब रातों को बड़ा एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे तुम लोग उठोगे, किचन में जाओगे रात को, तो इनकी पारी चल रही होती है। देखा है कभी इसको पार्टी करते हुए? मैंने तो बहुत बार देखा है, ठीक है। तो जैसे किचन में घुसे, इनकी चल रही थी पार्टी, और मुझे देखकर दो जो दम क्या बोलते हैं, दुम दबाकर भागे ये, जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो बच्चा इनकी चल रही होती है रात को पार्टी, तो मतलब ये है, वो ही है कि पार्टी करेंगे, किसी के भी पप्पा से हम नहीं डरेंगे ना, तो पार्टी चलेगी पूरी रात। तो क्या बोलते हैं, वो 1-4 बजे तक पार्टी चलेगी, वो होता है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो वाला, बस यही गाने गा के ये वाले लोग डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, हमारा बचा कुचा खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा होते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब ठीक है, नॉन वेज वेज सब खाते हैं ये, तो मतलब पार्टी में इनका सब चल रहा होता है, दबा कर खा रहे होते हैं जो मिले, ठीक है। उसके बाद बेटा देखिए इनकी बॉडी कितनी सख्त होती है, तो बाहर से एकदम हार्ड कवरिंग होती है इनकी, जिसको बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। यस बच्चा, एक्सो मतलब बाहर से स्केलेटन इनको एकदम बांध कर रखता है, एकदम क्या बोलते हैं, इनकी बॉडी को एकदम सख्त रखता है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो बनता है बच्चा काइटिन प्रोटीन और कैल्शियम सॉल्ट वगैरह की डिपोजिशन से, लेकिन मेनली काइटिन से ये बनता है, ठीक है। तो काइटिन इनकी बॉडी को हार्ड बनाता है बेटा, काइटिन बॉडी होने की वजह से ये, अगर बोलते हैं कि अगर यहाँ पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि बेटा अगर वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो एक इंसान, मतलब एक इंसान ना बचेगा, लेकिन ये जरूर बचेंगे, क्योंकि काइटिन जो होता है इनका एक आर्मर होता है। जैसे आर्मर मतलब क्या होता है, वो जो शील्ड होती है, जैसे योद्धा पहनते हैं ना, बस इनका जो आर्मर है वो क्या है, काइटिन है। तो बेटा न्यूक्लियर वॉर में हम मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच को कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मिस, मैंने बहुत दिनों से कॉकरोच को मिस कर रही थी, तो बेटा सुरंजना आज कॉकरोच आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा, ईच सेगमेंट ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन इज कवर्ड बाय 4 काइटिनस प्लेट्स। तो यस बच्चे, यहाँ पर काइटिनस प्लेट से ये कवर होता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से काइटिनस प्लेट होंगे, ठीक है। तो पहला है टर्गम, बेचा बच्चा टर्गम क्या होता है यहाँ पर, और उन काइटिनस प्लेट को स्क्लेराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्क्लेराइट्स बोलते हैं। तो स्क्लेराइट्स कौन कौन से हैं बच्चा, ढंग से सुनना आप, ठीक है। तो पहला है टर्गम, क्या होता है बच्चा? टर्गम मतलब होता है पहला स्क्लेराइट, पहली प्लेट होती है टर्गम, जो डॉर्सल पार्ट को करता है कवर। तो मतलब इनका पीछे का जो पार्ट कवर कर रहा है बेटा, उस काइटीन की प्लेट को बोलते हैं स्क्लेराइट। टर्गम जो इसका लेटरल वॉल, तो मतलब यहां पर भी वॉल को, वॉल कवर करता है इनकी, ये साइड वॉल भी कवर करता है, जिसका नाम होता है प्लूरा। प्लूरा मतलब लेटरल प्लेट बना रहा है ये काइटिन। और थर्ड है बच्चों स्टर्नम, जो कि वेंट्रल स्क्लेराइट बनाता है, ठीक है। तो वी यहां पर याद रखना बच्चा, स्टर्नम जैसे हमारी टाई बोन का नाम स्टर्नम होता है, जो कि आगे की तरफ होता है, तो वी एस मतलब वेंट्रल साइड पर, यहां पर स्टर्नम है, याद रखना, स्टर्नम इज द वेंट्रल स्क्लेराइट। तो तीन प्लेट्स यहां पर है, यहां पर वेंट्रल, डॉर्सल और साइड प्लेट्स होती है बच्चा, ठीक है। तो ये जितनी भी काइटिनस प्लेट है, ठीक है, 4 नहीं, सिर्फ काइटिनस प्लेट याद रखना, ये 3 होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये तीनों को बच्चा यहां पर याद रखना, तीनों को जोड़कर रखता है आर्थोड्रियल मेम्ब्रेन, आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन, जो काफी फ्लेक्सिबल होती है। तो जो प्लेट है वो तो हार्ड होगी, है ना, उन प्लेट्स को जोड़ने का काम किसका होता है बच्चा? आर्टिकुलर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। बेटा नीट का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछता है, याद रखना है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन में काइटिन से नहीं बनी होती है, नॉन काइटिनस होती है, काइटिन से नहीं बनी है बच्चा, तो ये काइटिनस नहीं होती है, याद रखना है, ठीक है, नॉन काइटिनस होती है, तो ये काइटिन से नहीं बनी होती, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। तो मतलब देखा है, वो छोटे छोटे छेदों से ऐसे बड़े बड़े कॉकरोच बाहर निकल रहे होते हैं, कभी देखा है घरों में, किचन में छोटे छोटे छेद होंगे और तुम देखोगे, अरे भैया ये कैसा सांड सा कॉकरोच बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा घुस पाते हैं छोटे छोटे छेदों में? क्योंकि ये प्लेट जो होती है ना उनकी, स्टर्नम और ये जो टर्गम होती है, तो बेटा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की वजह से, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन की वजह से ओवरलैप कर जाती है, और जब ओवरलैप कर जाएगी तो अपनी बॉडी को सिकुड़ कर अंदर घुस जाते हैं मजे से, और छोटे छोटे क्रिविसेस से दे बड़े बड़े कॉकरोचेस निकलते हैं बाहर। यस बच्चा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन काफी फ्लेक्सिबल है, काइटिन से नहीं बनी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई कॉकरोच के सेगमेंट्स। तो बच्चा याद रखना,
इसकी बॉडी में तीन सेगमेंट होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है थोराक्स और तीसरा सेगमेंट होता है एब्डोमेन, राइट? ये तीन सेगमेंट होते हैं बच्चे। तो अडल्ट के केस में अलग होता है सेगमेंट्स का नंबर और एम्ब्रियोनिक स्टेज में अलग होता है। तो बच्चे याद रखना कि जो सेगमेंट्स अडल्ट में है वो अलग है, ठीक है? तो सेगमेंट्स अगर हम हेड के सेगमेंट देखेंगे तो अडल्ट में सिर्फ एक सेगमेंट होता है, एम्ब्रियो में छह, हेड पर छह सेगमेंट होते हैं, छह सेगमेंट से ये बनता है, ठीक है? और छह के छह फ्यूज होकर अडल्ट में एक सेगमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं कैप्स्यूल, हेड कैप्स्यूल बोलते हैं, ठीक है? थोरैक्स रीजन में अगर हम देखेंगे बच्चा तीन होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, जो हम देखेंगे तीन सेगमेंट है। और बेटा एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं जल्दी बता दो? तो एब्डोमेन में होते हैं 10 सेगमेंट, लेकिन एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट होते हैं, तो टोटल 20 हो गए एम्ब्रियो में, इनमें टोटल 14 होते हैं, ठीक है? तो कम क्यों हो गए बच्चा? क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हो गया है सेगमेंट्स का अडल्ट में, समझ में आया? तो अडल्ट में क्या होता है बच्चा? फ्यूजन ऑफ सेगमेंट हो जाता है, ये चीज याद रखनी है प्यारे बच्चों ने, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर याद रखना बेटा। तो ये क्लियर हुआ, तो यहाँ पर याद रखना कि कौन कौन से सेगमेंट कितने होते हैं इनमें। यस एब्सोल्युटली मैम, मेरा नाम अमेरिका ना है पर फिर भी मैं इंडिया में क्यों हूँ बच्चा? क्योंकि वो अमेरिका से ही आया था ना, वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मैं बताती हूँ, बताऊँ यहाँ पर दादा वादा कैसे आए थे। तो ऑब्वियस ही बात है, वो क्या बोलते हैं उसको, पहले वो बड़े बड़े एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले सामान होते थे ना, तो ऐसे आया वो एक्सपोर्ट में वो बैठ गया आराम से, मतलब ऐसे प्लेन में बैठ गए और फिर वो पहुंच गए इंडिया। तो उन्होंने कहा ओ तेरी, मैं तो पूरा घूम रहा हूँ बस करके, तो वो बस इंडिया में आकर उन्होंने अपनी पूरी आबादी बढ़ा दी है ना, तो ऐसे हो गया, फिर बस यहाँ आ गए तुम्हारे पूर्वज और तुमने यहाँ भी आतंक मचा दिया। बेस्ट एक्सप्लेनेशन आता है, थैंक्स लॉर्ड बच्चा। तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है? तो बेटा ये है इनका हेड, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इनका हेड होता है और इनका हेड ऐसे ट्राइंगुलर होता है, तो मतलब हमें सिर्फ आंखें दिख रही है ऊपर से, लेकिन ऐसे 90 डिग्री, अगर इनकी पूरी बॉडी हम देखेंगे, थोरासिक रीजन, एब्डोमेन, तो इनका हेड जो होता है ऐसे 90 डिग्री में होता है नीचे की तरफ, हाइपोगिनाथस फेज होता है, ठीक है? तो वो इस तरीके से इनका फेस है, याद रखना, ठीक है? नीचे की तरफ है। उसके बाद इनके आंखों में इनकी कंपाउंड आईज होती है, जो काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मैं बताऊंगी अभी। इनके हेड में एंटीना होता है, इनके हेड में माउथ पार्ट भी होते हैं बच्चा। तो हेड में तीन चीजें हमने पढ़नी है। इनके सर पे क्या क्या होता है? एंटीना होता है, आईज होती है, माउथ पार्ट होता है, तीन चीजें मैंने बतानी है, ठीक है? दूसरा है बच्चा थोरैक्स रीजन। थोरैक्स में जो पहला सेगमेंट होता है उसको प्रो नोटम भी बोलते हैं, प्रो थोरैक्स भी बोलते हैं। तो बच्चा प्रो नोटम क्यों? क्योंकि ये नेक के साथ, सॉरी हेड के साथ फ्यूज्ड रहता है, इसलिए इसका नाम प्रोनोटम भी बोला जाता है। दूसरा है मीजोथोरैक्स और तीसरा है मेटाथोरैक्स, ठीक है? तो यहां पर थोरैक्स के तीन पार्ट होते हैं। और बच्चा याद रखना कि यहां पर जो ये जो थोरैसिक रीजन होता है उसमें पंख भी जुड़े होते हैं, तो यहां पर प्रोथोरैक्स में, और इनके लेग भी जुड़े होते हैं, ठीक है? तो इनके पैर भी थोरैसिक रीजन में होते हैं, इनके पंख भी थोरैसिक रीजन में होते हैं। तो बेटा याद रखना कि जो हाइंड विंग है, ऑब्वियसली बात है, वो मेटाथोरैसिक रीजन में जुड़ा होता है, और जो टेगमीना जो फोर विंग है वो कौन सी थोरैक्स में जुड़ा होता है? मीजोथोरैसिक विंग होता है, जो मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है? इनके जो छह पैर होते हैं बच्चा, तो एक पैर होता है प्रोथोरैसिक में, दूसरा पैर होता है मीजोथोरैसिक में, और तीसरा पैर होता है मेटाथोरैसिक। मतलब पैर और पंख कहाँ होते हैं बच्चा? थोरैसिक रीजन में होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। उसके बाद देखो ये 10 एब्डोमेन है इसके, और इन एब्डोमेन में जो होता है कि यहाँ पर कुछ कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो मैंने सारे बताने, मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो हम लोगों ने सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है? तो ये है हमारा कांकरोच, देख लो इसको अच्छे से। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में मैंने अच्छे से बताना है, तो अब जल्दी से सुन लो एकदम आंखें खोल कर, है ना? तो यहाँ पर जी देखो अब, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ गया बिल्कुल बच्चा, नीतीश आओ तुम। तो यहाँ पर मोजैक इमेज का मतलब क्या होता है मैम? बच्चा निशान बिल्कुल मैं बताऊंगी, अभी सुन अभी अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेड के बारे में बताऊंगी बच्चा। इनका जो हेड होता है, ढंग से याद रखना, बहुत सिक्वेंशियल चीजें मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? तो जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड्स हो चाहे तुम्हारा नीट हो बेटा, दोनों चीजें कवर हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने इनका कहा जो हेड की अगर बात करेंगे, तो इसके हेड में
छह सेगमेंट फ्यूज होकर एक हेड बनाता है अडल्ट में, और इनका हेड कैसा होता है? हाइपोगिनाथस, मतलब बॉडी के रिस्पेक्ट में राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है। गोचा बच्चा बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसा होता है? राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है, जो हमें पता है एट द राइट एंगल टू द बॉडी एक्सिस, राइट, इसलिए उसको हाइपोगिनाथस बोला जाता है। इसके सर में बच्चा होता है एंडोस्केलेटन। वैसे तो पूरी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सो मतलब बॉडी के बाहर, एंडो मतलब होता है बॉडी के अंदर, कॉल्ड टेंटोरियम। बच्चा यहां पर याद रखना कि सर में एक एक सर ही होता है इसका, जिसमें एंडोस्केलेटन होता है, दैट इज कॉल्ड टेंटोरियम। गौचा जल्दी बताओ। यस सौरभ कह रहे हैं मैम रिप्रो, अरे भाई रुक जा, ठंड रख, कॉकरोच के रिप्रोडक्शन भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे एंटीना, अगर एंटीना की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेयर एंटीना होता है, दो एंटीना इसमें होते हैं, फिलामेंट की तरह होता है, ऐसे लंबे फिलामेंट की तरह होगा, सेगमेंटेड होता है, और इसके एक-एक सेगमेंट को पोडोमेयर बोलते हैं। पोडोमेयर मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है एक-एक सेगमेंट को पोडोमेयर बोला जाता है, ठीक है। बेटा एंटीना का फंक्शन क्या है? बेटा याद रखना कि हेड पर ऑलमोस्ट जितने स्ट्रक्चर है वो सारे सेंसरी पार्ट होते हैं। तो बेटा ये टच के लिए इसके पास होता है रिसेप्टर, एंटीना के पास टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल को डिटेक्ट करने का रिसेप्टर होता है। तो बेटा किसकी तरह काम कर रहा है? सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह, गौचा सेंसरी रिसेप्टर इनके पास है बेटा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली सब चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बच्चा बहुत सिक्वेंशियल मैं लेकर चल रही हूँ, हेड से शुरू करेंगे, थोरासिक, फिर एब्डोमन, और फिर मैं एक एक इसके पार्ट्स बताऊंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम सर कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा, ठीक है, चुन चुन के बदला लेने वाले हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो माउथ पार्ट जो है वो बाइटिंग चूइंग टाइप होता है, मतलब चबाएगा, बाइट करेगा खाने को। और यहाँ पर इसके माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चे? तो यहाँ पर देखोगे लेब्रम होगा, एक लेब्रम जो कि अपर लिप है, एक लेबियम जो कि लोअर लिप है, एक पेयर मैक्सिला, मैक्सिला दो होते हैं बच्चा, और मेंडिबल जो होता है वन पेयर, लोअर जॉ वन पेयर होता है, और एक जीभ जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहां पर याद रखना उसको हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। कंपैरेबल टू द टंग, तो टंग जैसा इनका एक स्ट्रक्चर है, ये चीज याद रखना है। तो चलो अब इनका एक बार स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। तो बच्चा देखो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या है इनका, एक लेब्रम है जो कि अपर लिप की तरह एक्ट कर रहा है, दिख रहा है यहां पर सबको। दूसरे यहां पर दो मेंडिबल, तो बच्चा यहां पर जो है पेयर्ड मेंडिबल, देखो इसके, देख रहे हो यहां पर पेयर्ड मेंडिबल, इसमें ऐसे 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 क्या बोलते हैं ये देखो, ऐसे इस तरीके से पार्ट है इसमें, है ना। तो जो पेयर्ड मेंडिबल है उसका काम होता है ग्राइंडिंग में, इनसीजर्स में, इनसीजर्स मतलब चबाना, इनसाइज मतलब काटना, ग्राइंड करने में ये मदद करते हैं, क्योंकि इनके दांत में ऐसे एकदम, इनके मैंडिबल में ऐसे एकदम स्ट्रक्चर्स होते हैं एकदम कैची जैसे, ठीक है। दूसरा है बच्चा मैक्सिले, पता है मैक्सिले के बारे में एक बात याद रखना कि जो मैक्सिले होता है वो बिल्कुल स्ट्रक्चरली पैर जैसा दिखता है, इनके पैर भी ऐसे ही दिखते हैं, जैसे इसका मैक्सिले दिख रहा है ना वैसे इनके पैर भी दिखते हैं। तो बेटा ये किस काम आते हैं? चुइंग में मतलब चबाने के काम आते हैं, फूड को मेस्टिकेशन के काम आते, प्लस इनके पास रिसेप्टर भी होते हैं बच्चा। इनके माउथ पार्ट में टेस्ट रिसेप्टर, ऑल्फेक्ट्री, टेक्टाइल सब रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो ये सेंसरी पार्ट भी होते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर लेबियम, इनका लोअर लिप है, ठीक है। तो ये देखो ये इसका लोअर लिप है, तो यहां पर ये लोअर लिप है बच्चे, तो ये चीज याद रखना है। और लेब्रम जो है वो अपर लिप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसका काम क्या होगा? फूड को होल्ड करना, तो बच्चा यहाँ पर होल्ड एंड इंजेस्ट फूड, फूड को खाएगा, ठीक है, ये इसका काम होता है। उसके बाद लेबियम, लेबियम का काम क्या होता है? लोअर लिप है बच्चा, यस, इसके पास खूब सारे रिसेप्टर होते हैं, तो मतलब यहाँ पर इसके पास होंगे रिसेप्टर, जैसे कि टेस्ट रिसेप्टर इसके पास होगा, इसके पास टेक्टाइल, टेक्टाइल मतलब कोई भी वाइब्रेशन है उसको फील कर पाएगा, स्मेल के रिसेप्टर भी इसके पास होते हैं, ठीक है। और लास्ट आया हाइपोफारिंग्स, और बच्चा हाइपोफारिंग्स में ही सलाइवरी ग्लैंड खुलता है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि हाइपोफारिंग्स या सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर खुलता है, ठीक है। तो बच्चा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड लिख लो इसको बुक में ही कहीं, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कहाँ खुलता है बच्चा? ऑब्वियसली ओपन एट इट्स बेस, इसके बेस पर ही
खुलता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, एट इट्स बेस, बेस पर ही खुलता है, ठीक है। तो इतना चीज है इसके माउथ के बारे में, ठीक है, तो जो चीज तुम लोगों को याद भी रखनी है। उसके बाद इसके सर में और क्या होता है, अपेंडिजेस ऑन हेड, सर में और क्या होगा जल्दी बताओ, मैंडिबल टीथ की तरह काम करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो जल्दी बताओ बच्चा इसके बारे में दो चार और अच्छी अच्छी बातें। यस, तो एब्सोल्युटली इसके पास कंपाउंड आईज होती हैं, जिसको मोजैक आईज भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनकी कंपाउंड आईज छोटे 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 लेंस पीसेस से बनते हैं, जिसको ओमाटीडियम बोलते हैं। तो बच्चा याद रखना, 2000 हेक्सागन शेप के ओमाटीडियम से इनकी कंपाउंड आईज बनती हैं। और क्या होता है पता है, एक एक ओमाटीडियम में अलग अलग इमेजेस बनेंगी। समझ में आया मैंने क्या बोला, एक एक ओमाटीडियम में अलग अलग इमेजेस बनेंगी। तो मतलब ओमाटीडिया बनाता है सेवरल इमेजेस, समझ में आया। तो पता है कैसा दिखेगा, कोई बच्चा पूछ रहा था मैम ये कैसे, मोजैक विजन मतलब क्या होता है। बच्चा मोजैक विजन मतलब होता है कि एक एक ओमेटीडिया जब अलग अलग इमेज बनाएगा तो ये मोजैक दिखेगा। मोजैक मतलब शीशा तोड़ो और अपनी शक्ल देखो। देखा है कभी टूटे हुए शीशे में अपनी शक्ल, बेटा इनको भी ऐसा ही दिखता है, बहुत सारा एक आदमी के अलग अलग पीसेस दिखेंगे, तो मोजैक विजन होती है वो, है ना। तो हर पीस में एक एक इमेज बन रहा है। तो बच्चा ये चीज याद रखना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा सिहाना, ठीक है। यस एग्जैक्टली, ये कॉकरोच बोल रहा है कि हम कैनिबलिज्म भी करते हैं, मतलब अपने ही अंडे खा जाते हैं, अपने ही कॉकरोचेस को खा जाते हैं। हाँ देख लो, बड़े दुष्ट भी होते हैं ये कॉकरोच, है ना, अपने ही बच्चों को भी खा जाते हैं, अपने परिवार को भी खा सकते हैं, ठीक है, कॉकरोच को ही खा सकते हैं। तो कैनिबलिज्म मतलब होता है अपनी स्पीशीज को खा जाना, ठीक है। उसके बाद बच्चे याद रखना, इनकी जो आंखें होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं बहुत ज्यादा। तो देखा है रात को ये पार्टी कर रहे होते हैं जब, तो जैसे इन्होंने देखा कि हम एंटर कर रहे हो बेटा, वैसे ही भाग जाते हैं। तो क्यों भागते हैं, वो कहते हैं ओ मोरी मैया ये क्या हो गया, और जैसे ऐसे भागते हैं एकदम दुम दबा के, भागो बेटा आ गया है वो इंसान, बेटा ये हमें खाने नहीं देगा, ये पार्टी नहीं करने देगा। तो निकल जाते हैं ये सारे के सारे, है ना। तो बच्चा यहाँ पर इनकी आंखें काफी सेंसिटिव होती है, लेकिन रिजोल्यूशन इनका खराब होता है, क्योंकि इतनी सारी इमेज बनेंगी तो शार्प इमेज थोड़ी बनेंगी, ठीक है। तो रिजोल्यूशन थोड़ा खराब ही होता है इनका। नॉक्टर्नल विजन है, रात में ऐसा टमचम चमाती है इनकी आंखें, मतलब एकदम एक्टिव रहते हैं रात को, है ना। उसके बाद बच्चा सिंपल आईज भी इनमें होती है। सिंपल आईज जो होती है उसको ऑसिलस बोलते हैं, जो इनमें रिड्यूस्ड है या फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शनल नहीं होती, ऑलमोस्ट रिड्यूस ही होती है इनकी आंखें, ठीक है। तो जो जो बच्चा हेड में प्रेजेंट है दैट इज कंपाउंड आईज, जो सेंसिटिव होती है ओमाटीडियम उसमें 2000 होती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो कॉकरोच कह रहा है गजब बेइज्जती है भाई। तो ये बोल रहा है हमें चाहिए फुल इज्जत, बेटा कॉकरोच तुमको फुल इज्जत दिलाएंगे अभी, ठीक है। तो अब हेड के बारे में तो हमने देख लिया बेटा, हेड में बस इतना ही पढ़ना था, थोरासिक रीजन में आ जाओ अब, ठीक है। तो चलिए जी चलते हैं थोरासिक रीजन में। तो तैयार हो सारे बच्चे, चलो फिर, ठीक है बच्चा। थोरासिक रीजन में देखो तीन सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स जो कि नेक के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको प्रोनेटम भी बोलते हैं ऑब्वियसली, अब ये देखा हमने पीछे, है ना। मीजोथोरासिक दूसरा रीजन है, मेटाथोरासिक तीसरा रीजन है। तो ये तीन सेगमेंट होते हैं बेटा थोरासिक रीजन के। मैंने कहा थोरासिक रीजन में पैर भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं। तो सबसे पहले पैरों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे याद रखना कि जो ईच थोरासिक रीजन, चाहे प्रोथोरासिक हो, चाहे मीजोथोरासिक हो, चाहे मेटाथोरासिक हो, तीनों सेगमेंट में एक एक पेयर जो होता है पैर जुड़ा हुआ होता है। और यहां पर एक पैर में इनके पांच सेगमेंट होते हैं, पांच यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो बेटा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है कॉग्जा, पहला सेगमेंट इनके एक पैर का। दूसरा है ट्रोकेंटर, दूसरा सेगमेंट। बेटा जैसे हमारी फीमर बोन होती है वैसे इनका फीमर पैर है, ठीक है। तीसरी बोन, चौथी होती है टीबिया, ठीक है बच्चा। फिफ्थ होती है टार्सस। तो बच्चा यहाँ पर फिफ्थ कैसा है, टार्सस, ठीक है। और टार्सस में काफी स्टिकी एरोलियम प्लैनिटुला, यहाँ पर दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, एरोलियम प्लैनिटुला, राइट। तो ये किसमें काम करते हैं बच्चा, ये देखा है कभी कभी दीवारों में भी चढ़ जाते हैं और हमें लगता है बेटा ये तो स्पाइडरमैन भी हैं। देखा है कभी फीलिंग आई है कि इनको देख करके, बेटा ये तो स्पाइडरमैन जैसी ताकत भी रखते हैं अपने अंदर, है ना। तो बस बच्चे यहाँ पर स्टिकी होते हैं टार्सस रीजन, है ना। तो स्टिकीनेस देता है ये, जिससे दीवारों पर भी चिपक चिपक कर भागता है। तो बेटा खतरनाक है ये, ठीक है।
सेगमेंट से एक पैर बनता है, 5 यूनिट से, इसलिए इसको पोडोमेयर बोलते हैं। बेटा मैंने पहले ही कहा है, इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? आर्थ्रो, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडिजेस। इनकी पूरी बॉडी ही जॉइंटेड होती है, जॉइंटी जॉइंट, जॉइंटी जॉइंट, ले जॉइंट, ले जॉइंट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट होते हैं। तो यहां पर जल्दी से देखो बच्चे कि कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया सबसे लंबी बोन है, और टार्स बोन मतलब ऑब्वियसली इनका पार्ट सेगमेंट है, और टार्सल लास्ट सेगमेंट होता है। 5 सेगमेंट से इनका पैर बना हुआ है, चलो अच्छी बात है। थोरैसिक रीजन में और क्या होते हैं बच्चा? विंग्स होते हैं, पंख भी निकल आए इनके, देख रहे हो। तो किसी ने उड़ता हुआ कॉकरोच देखा है? आजकल बड़े मीम्स बन रहे थे कॉकरोच के ऊपर कि कॉकरोच बहुत अच्छा था, लाजवाब पढ़ाते हो, थैंक्स अ लॉट बच्चा सतवीर। तो जो विंग्स होते हैं ना बच्चा, तो पता है क्या हुआ, जो हमारा कॉकरोच है, उड़ता हुआ कॉकरोच देखा है किसी ने? आजकल मीम भी बने थे बड़ा, है ना। इट्स ओके बच्चा दिवांशु, ठीक है। तो उसको देख लेना और बेटा ज्वाइन कर लो ग्रुप। यस मैम, उड़ता हुआ कॉकरोच, बेटा दिल बनाने की तो जरूरत नहीं है, पहले वो कतई दिल वाले नहीं होते हैं। भाई साहब, जब कॉकरोच उड़ता है ना, ऐसा लगता है बेटा अब ये तो चढ़ ही जाएगा सर पे, है ना। तो ऐसे देह बड़ा कॉकरोच ऐसे उड़ रहा है ना, मजे से स्वैग दिखा रहा है, कहता बेटा ज्यादा मेरे ऊपर ज्यादा हीरो बनेगा, तो मैं तुझे बताता हूँ, स्टड बन गया भाई, वो पंख निकल आए उसके, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इसके ऊपर मीम्स भी बने थे, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, कॉकरोच चलने तक तो ठीक था, ये उड़ने कैसे लगा? तो बेटा ये उड़ता भी है तो, क्योंकि इसके पास पंख होते हैं, पंख खोलकर उड़ने लगा फुर फुर करके, है ना। तो ये गाना गा रहा है कि घूमता फिरूं मैं मस्त मस्त पवन में, बेटा उड़ता फिर रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर मीजोथोरासिक विंग होता है, प्रो फोर फोर विंग्स, स्टेगमीना भी उसको बोलते हैं, इलाइट्रा भी उसको बोलते हैं। तो जो मीजोथोरैसिक रीजन में पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोथोरैक्स रीजन में बच्चा, ये याद रखना कि ये फोर विंग होता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये हाइंड विंग को क्या होता है? कवर, हाइंड विंग, हाइंड विंग को कवर करके रखता है, ठीक है। कैसा होता है बच्चा फोर विंग? ओपेक होता है, काफी सख्त होता है। ऊपर से देखा है इसकी बॉडी कितनी मोटी दिखती है ना, एकदम चमकता हुआ, चमचमाता हुआ ब्राउन कलर की लेयर, चमचमा चमचम। बेटा कॉकरोच अलग अलग कलर्स में भी मिलते हैं, ब्राउन में मिलता है, ब्लैक में मिलता है, ग्रीन में मिलता है, रेड में मिलता है, अलग अलग कलर के कॉकरोचेस भी होते हैं, है ना। तो यहां पर याद रखना ये वाले विंग होते हैं। हाँ, उसके बाद यहां पर जो है लेदरी, थिक, डार्क कलर्ड, नॉट यूज्ड इन फ्लाइट। बेटा फ्लाइट में जो है ये उड़ने में मदद नहीं करते, लेकिन ठीक है। तो ये चीज याद रखना, फोर विंग का उड़ने से कोई लेना देना है नहीं बेटा, ठीक है। अब मेटाथोरासिक की अगर बात करेंगे तो पेयर ऑफ विंग्स बेटा इसमें भी होते हैं, मेटाथोरासिक रीजन में, जो कि उड़ने के लिए यूज होते हैं। कैसे होंगे बेटा? थिन होंगे, डेलिकेट होंगे, ट्रांसपेरेंट। बेटा इन्होंने ये वाले पंख जो है वो फोर लिम के नीचे छुपा रखे होते हैं कि जब काम आएगा तो मैं उड़ूंगा और इंसान को डरा दूंगा। तो बेटा ये बोलता है सरप्राइज, मैं तो उड़ भी सकता हूँ, और हम कह रहे हो मोरी मैया ये क्या हो गया, तो उड़ने भी लगा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर ये वाली जो है फ्लाइट के लिए यूज होता है, लेकिन मीजोथोरासिक फोर विंग कभी भी उड़ने के लिए यूज नहीं होता, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। फोर विंग जो है वो हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन जब मौका मिलेगा बेटा उड़ेगा भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। मैं आपसे गुस्सा था इसलिए मैं क्लास में नहीं आया, लाइव नहीं आया। अच्छा देखो जी बच्चा, काहे गुस्सा हो ये बता दो पहले तो, ठीक है। अब हम एब्डोमेन के पार्ट्स पढ़ने वाले बच्चों। थोरासिक में हमने देख लिया कि विंग्स होंगे और उनके पैर होंगे, एब्डोमेन में क्या क्या होता है बेटा? क्वेश्चन नीट पे डायरेक्ट पूछा हुआ है, अगर ये एक एक सेगमेंट्स को पढ़ लिया ना मेरे साथ ही यहाँ पर, तो फिर अब ये एक क्वेश्चन अटकेगा नहीं तुम्हारा, और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके बाद, ठीक है। तो ढंग से सुनना अब क्या हो रहा है, ठीक है। आप कॉकरोच का हेड रिमूव कर दो तो वो मरता नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चा। खुशनुमा, बिल्कुल इसको करेंगे आगे, मैं इसको डिस्कस करूंगी इसका नर्वस सिस्टम में, डोंट वरी, ठीक है। तो बेटा 10 सेगमेंट होते हैं इसके एब्डोमेन रीजन में। तो सबसे पहले इसके ऑब्वियसली 10 सेगमेंट्स है एब्डोमेन के, तो यहाँ पर इसमें एब्डोमेन रीजन में एनल सर्कस होता है, एनल सर्काई भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये एनल सर्काई दोनों मेल में भी होता है बेटा, फीमेल में भी होता है, दोनों में होता है। कौन से सेगमेंट में? 10 टर्गम या डॉर्सल सेगमेंट भी बोलते हैं। तो बेटा डॉर्सल सेगमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? टर्गम होता है, ठीक है। तो 10th टर्गम सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? एनल सर्काई, राइट। तो बच्चा कैसा होता है? लॉन्ग थिक जॉइंटेड आउट ग्रोथ होती है। तो जो इनका 10th सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है पीछे की साइड से ऐसे एनल सर्काई निकले हुए होते हैं बेटा, जॉइंटेड होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट से बने हुए होते हैं, जॉइंटेड है बेटा। मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूं जॉइंटेड है, ठीक है,
क्यों कर रही हूं अभी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये साउंड रिसेप्टर इनमें होता है, वाइब्रेशन रिसेप्टर होता है, मतलब सेंसरी रिसेप्टर है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, समझ में आया। तो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा और क्या होता है एब्डोमेन में, एनल स्टाइल होता है, कॉडल स्टाइल होता है बेटा, जो कि अनसेगमेंटेड है। पता है क्या पूछता है क्वेश्चन, कि एनल सर्काई एनल स्टाइल में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि बेटा ये जॉइंटेड होता है, इनमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जॉइंटेड नहीं होता, ये अनसेगमेंटेड होता है, समझे। हाँ, तो यहां पर ये चीज याद रखना है। तो इट्स ओके बच्चा ज्योत्सना, सुनते जा, है ना। हाँ, क्या है क्या है। हाँ मिस्टर नीतीश, डाउट बोलो मैम सुनेंगे। बिल्कुल बच्चा, हम सुन रहे, सब भूल गए हैं दोबारा पढ़ना। मिस्टर नीतीश बोलो, मिस आप मेरी बात नहीं सुनते। अरे भाई साहब, सुनेंगे हम, जल्दी बता दो अपनी बात। मेल स्टाइल मारता है, हाँ। तो यहाँ पर रागे बोल रहा है बेटा, मेल जो है वो बहुत स्टाइल मारता है, इसलिए उसके पास एनल स्टाइल है, लेकिन फीमेल के पास एनल स्टाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन एनल सरकाई की बात करेंगे तो वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। तो गुड इवनिंग बच्चा, मैम ये ह्यूमन को खा सकता है। अरे नहीं अनुप्रिया, बेटा कैसे खाएगा, इतना बड़ा ह्यूमन को निगल थोड़ी जाएगा ये, ठीक है। तो ये अनसेगमेंटेड है बच्चा, प्रेजेंट इन मेल ओनली, मेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कार्निवोरस है, तो ऑब्वियसली अगर डेड बॉडी वगैरह है तो उसको तो खा ही सकती है, ठीक है। नाइन स्टर्नम, लेकिन छोटे छोटे आप कितना ही खाएंगे। नाइन स्टर्नम है बच्चा, नाइन स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। स्टर्नम मैंने अभी कहा मतलब टाई बोन, कहां होती है हमारी, वेंट्रल साइड पर। तो बच्चा यहां पर ऑब्वियसली वेंट्रल साइड पर ये सेगमेंट होता है, तो बेटा मैंने सेगमेंट भी लिखा हुआ है, ये एनल स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैरेक्टर। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या समझते हो, हम यहां पर इनको देख सकते हैं कि यहां पर डाइमॉर्फिज्म मतलब दो दो, ठीक है। तो दो मेल फीमेल को सेपरेट करता है एनल स्टाइल। तो एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, फीमेल में नहीं है। तो हम जैसे ही देखेंगे कि एनल स्टाइल किसमें है किसमें नहीं है, मेल फीमेल को पहचान लेंगे। तो बच्चा ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिक स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चा, टेक्टाइल रिसेप्टर भी इनके पास होता है। टेक्टाइल मतलब टच का रिसेप्टर होता है एनल स्टाइल के पास, ठीक है। उसके बाद बच्चे याद रखना कि एब्डोमिनल सेगमेंट में एनस भी प्रेजेंट होता है, टेंथ टर्गम में। टेंथ टर्गम मतलब क्या समझते हो, ऑब्वियसली डॉर्सल साइड पर टेंथ सेगमेंट में एनस भी होता है, किसके लिए, इजेशन के लिए, मतलब जो भी खाया उसको निकालने के लिए, समझे। आई एम आशुतोष कुमार पाल फ्रॉम द 8th A। ओ माई गॉश, तो यहां पर समझे बच्चा क्या होगा। तो चलते हैं फिर आगे, ठीक है। तो बेचा बेचा कुछ बोलना है नितेश, कुछ बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो आई एम ऑल इयर्स देख रही हूं मैं अभी। दिव्यांश बोल रहे कॉकरोच आर हीमोसिलोमेट, एग्जैक्टली बच्चा, उसके सीलोम में खूब सारा खून भरा हुआ होता है, क्योंकि इसमें कैपिलरीज जैसी कोई चीज ही नहीं होती, तो ये डायरेक्ट ब्लड को पूरी बॉडी की कैविटी में फेंक देता है, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं वो रात में छोटा भीम देखते हैं, व्हाट अ क्वेश्चन। अच्छा देखो जरा, तो चलो बच्चा, छोटा भीम आ जाओ, इनमें आरबीसीज नहीं। कॉकरोच कह रहा है हमें कोई आरबीसीज भी नहीं होते हैं। बिल्कुल कॉकरोच ने सही बताया अपने बारे में, इनके पास कोई आरबीसीज नहीं होते, ठीक है। तो बच्चा देखो, एब्डोमेन रीजन में और क्या होता है, जेनिटल पाउच होता है, ब्रूड पाउच होता है, गायनेट्रियम होता है, मतलब इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चा वो भी एब्डोमेन रीजन में होता है। तो चलिए जी फीमेल में देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो बच्चा सेवन स्टर्नम फीमेल का बोट शेप्ड होता है, हजार बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगर इसके बाद भी गलत कराना कुछ तो मैंने सबकी एकदम पिटाई करनी है, क्योंकि इसके बाद कॉकरोच में एक कोई भी नीट का क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेवन स्टर्नम फीमेल के केस में बोट शेप का होता है। स्टर्नम मतलब वेंट्रल पार्ट, स्टर्नम टाई बोन कहां है बच्चा, वेंट्रल साइड, याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो है 8th एंड 9th स्टर्नम जो है, फीमेल का जो गायनेट्रियम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो 7th स्टर्नम में होता है, 8th और 9th स्टर्नम में होता है। तो मतलब 7, 8, 9 डॉर्सल एरिया में ये होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है बच्चा। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है फीमेल में, स्पर्मीथीका प्रेजेंट होता है। स्पर्मीथीका मतलब जो स्पर्म को रिसीव करती है, स्टोर करती है बेटा, स्पर्मीथीका मतलब
पर्सन के पास, थी का मतलब होता है पर्स, है ना, स्पर्म को स्टोर कर देती है अपने पर्स में, है ना। तो ये चीज याद रखना है, स्पर्म थीका को स्टोर करने के लिए भी इनके पास एक एरिया है, ठीक है। नॉट सीइंग माई मैसेज, सुरंजना बोलो बच्चा, देखा मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, हाँ देख रहा हूँ कॉकरोच बोल रहा है मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। स्टर्नम वेंट्रल साइड, एग्जैक्टली सोनम यू आर राइट, देखा मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ कम्यून। अरे भाई साहब देख लो कॉकरोच तो गालियां भी दे रहा है, भाई भाई राम राम राम, कहाँ से भैया कॉकरोच इतना भी, भाई भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल, ठीक है। चलो बच्चा चलते हैं, तो ये कि आपके क्वेश्चन आएंगे नीट में, मिस्टर कॉकरोच ये भी बता दो कि आप पर कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर देख लो, वो तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फीमेल गोनोपोर जो होता है बच्चा, वो ओवा को रिलीज करता है, यस। फीमेल के पास एक गोनो, गोनो मतलब गोनाड, स्पोर मतलब छेद, जहां से वो ओवा को रिलीज करेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा फीमेल के पास कोलेट्रियल ग्लैंड भी होता है बच्चा, एग केस बनाने के लिए, ऊथीका बनाने के लिए, तो अपने पर्स में एक पाउच होता है जहां पर ये क्या करती है, एग केस बनाती है, एग के अराउंड पूरा पर्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, अच्छी बात है, चलते हैं बाहर, है ना। उसके बाद फीमेल में और क्या होता है बच्चा, गैनेपोफाइसेस फेलोमेयर भी होता है इस रीजन में, एब्डोमेन के 7, 8, 9 सेगमेंट में गोनापोफाइसेस भी होता है, जो कि काइटिन से बना हुआ होता है और कॉपुलेशन में मदद करता है, मतलब सेक्सुअल एक्ट में मदद करता है, ठीक है। तो बेटा फीमेल के बारे में इतना ही याद रखना है, तो चलिए जी अच्छे आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ टिल्लू पढ़ा रहे हो, देखो जरा, तो विनीता ने पहले तिल चिट्टा, तिल चिट्टा हमें इसका नाम पता चला, तो आज इसका शॉर्ट नेम भी रख दिया इसने, तिल्लू। तो यहाँ पर कॉकू ही बोल दो या रोची बोल दो, है ना। तो देखो जिसका मैम कॉकरोच लेक्चर देख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर कॉकरोच आप भी आए हमारे लेक्चर में, है ना, तो देख रहे हो। तो मैंने ये कॉकरोच जो है मुझे सुबह ही मिला था, तो मैंने इसको सुबह ही कहा कि आज हम पढ़ने वाले थे, ये बड़ा डांस कर रहा था, तो बेटा आ गया ये आप पढ़ने, ठीक है। तो चलो फिर तिल चट्टा या तिल्लू, हाँ। तो देखो यहाँ पर मैम आप बहुत क्यूट बच्चा, थैंक यू। एलियरी मसल, अरे बच्चा निशांत, अरे बेटा ठंड रखो, शांति रखो, बिल्कुल एलियरी मसल पर पूरी चर्चा चलेगी, ठीक है। तो बेटा मेल में 9th स्टर्नम, स्टर्नम मतलब वेंट्रल पार्ट, 9th और 10th टर्गा मतलब डॉर्सल पार्ट, पीछे वाला पार्ट। तो बेटा 9th और 10th का पीछे वाला पार्ट और 9th सेगमेंट का आगे वाला पार्ट में होता है इसका ब्रूड पाउच, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो याद कर रहे हो ना मेरे साथ साथ कि फीमेल में कहां पर होता है, 7, 8, 9 में, मेल में कहां पर होता है, 9, 9 और 10th टर्गम में। तो हमने अभी देखा कि बेटा 10th टर्गम में तो एनस भी प्रेजेंट है, यहां पर याद है सबको, एनस 10th टर्गम में है ना। तो मतलब मेल के केस में एनस भी होता है ब्रूड पाउच में, लेकिन फीमेल में तो 10th वाला इन्वॉल्व ही नहीं था, तो एनस फीमेल में नहीं होता ब्रूड पाउच में, सिंपल, है ना। तो बेटा एक-एक सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और जिसको सेगमेंट क्लियर है तो मतलब वो नीट के एक-एक क्वेश्चन को फोड़ डालेगा, ठीक है। उसके बाद गोनोपोर होता है, गोनोपोर मतलब फिर से गोनाड्स का छेद, जहां से ये स्पर्म निकालेगा बाहर, और ये स्पर्म जो है बच्चा, इसके स्पर्म को स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, ऐसा क्यों, स्पर्मेटोफोर क्यों बोलते हैं बच्चा, तो ये चीज याद रखनी है, इसको स्पर्मेटोफोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स को एक ग्लू चिपका कर रखता है और पूरा एक क्या बना देता है, गोला बना देता है, जिसको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, स्पर्म को ग्लू कर देता है, और स्पर्मेटोफोर मतलब स्पर्म का गोला बनाकर तब एकदम ऐसे फेंकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा मेल गैमीट डिस्चार्ज होगा गोनोपोर से, उसके बाद इसमें फेलोमेयर भी होते हैं जो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स है, कॉप्यूलेटरी मतलब सेक्सुअल एक्ट करने के लिए इसके पास ऑर्गन्स होते हैं। तो चले यहां पर यस, ठीक है, ऑपरेशन एमबीबीएस, नहीं बच्चा ये तो मैंने देखा नहीं, तो देखेंगे, बिल्कुल, ग्रेट टीचर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेट टीचर ऑफ बायोलॉजी वी विल नेवर हैड, थैंक्स थैंक्स अ लॉट बच्चा पिलानी। तो चलिए अब आगे, तो यहाँ पर देखो, इरफान काइटिनस इज आउटर लेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टेड बॉडी, यस बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हमने एब्डोमेन रीजन में क्या क्या होता है, थोरासिक्स में, हेड में क्या होता है, सब देख लिया, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े इसका। तो चलिए बच्चा अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, क्या क्या फंक्शन है, एक एक पार्ट का आज फंक्शन देखते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री केनाल के 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है फोरगट, बेटा याद रखना फोरगट माउथ से गिजार्ड तक होता है, तो ये देख रहा है, ये पूरा पार्ट फोरगट का ही है, ठीक है। तो फोरगट में
ये सारा पार्ट आता है बच्चे, जो कि याद रखना है, ठीक है? तो यस एब्सोल्युटली, है ना? तो फोर गट है ये पूरा। नेक्स्ट है बच्चे मिड गट। तो मिड गट कौन सा होता है? मिड गट को मिजेंट्रॉन भी बोलते हैं, वेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। तो बेटा ये है मिड गट, ये पूरा पोर्शन मिड गट है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से और हेपेटिक सीके तक, ठीक है? तो गिजार्ड और जो यहां पर, सॉरी, ये अगर देखोगे गैस्ट्रिक सीके दिख रहा है बच्चा यहां पर, ये गैस्ट्रिक सीके देखो, गैस्ट्रिक सीके देखो। तो ये जो गैस्ट्रिक सीके होता है बच्चा, जिसको हिपाटिक सीके भी बोलते हैं, ये फोरगट मिडगट के जंक्शन में है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है? तो बच्चा याद रखना कि यहाँ पर मिडगट और फोरगट के बीच में प्रेजेंट है शॉर्ट नैरो। मैम कुछ लेक्चर मिस हैं बच्चा, कहाँ पर लेक्चर मिस हैं? मैम मेरा नाम केदारनाथ जाफर सिंह है क्या? कड़कनाथ जफर सिंह है भाई साहब, देख लो अलग ही नाम है इसका, ठीक है? तो ये कॉकरोच का नाम है, ठीक है? कॉकरोच का भी नाम होता है। तो मिडगट मिजेंट्रॉन वेंट्रिकुलस मिडगट का पार्ट है बच्चा। मैंने कहा गैस्ट्रिक सीके जो होता है वो शॉर्ट नैरो ट्यूब्स होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं, और ये 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स मतलब अंधी, अंधी नहीं मतलब एक तरफ से खुला हुआ और एक तरफ से बंद होता है। तो खुला हुआ कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है अंदर, फोरगट मिडगट के जंक्शन में खुलेगा अंदर की तरफ, लेकिन एक साइड से बंद है, ठीक है? तो 6 to 8 होता है और ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा। उसके बाद हाइंड गट में 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम होता है, ठीक है? उसके बाद है बच्चा मैल्फीजियन टिब्यूल, ये हैं देखो कितनी सारी मैल्फीजियन टिब्यूल होती हैं, ठीक है? तो मैल्फीजियन टिब्यूल जो होता है मिड गट हाइंड गट के जंक्शन में होता है, मिड गट और हाइंड गट के बीच में होता है, ठीक है? हाँ मैम पेपर में भी आएगा कॉकरोच, अनदर नेम इज केदारनाथ लिखूंगे। अरे नहीं 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 भाई, केदारनाथ कुदारनाथ मत लिखना, ठीक है? तो वो अपना पर्सनल नाम रखा है उसने, ठीक है? तो पर्सनल नाम कॉकरोच का कुछ भी हो सकता है। तो बच्चा यहाँ पर देखो 100 to 150 येलो फाइन थ्रेड होते हैं मैल्फिशियन टिब्यूल में, जिसका काम एक्सक्रीशन में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज तो समझ में आई कि मैल्फिशियन टिब्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम में खुल रहा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ सिर्फ यहाँ पर फीकल मैटर ही नहीं निकालेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी निकालेगा। तो एनस के दो काम होते हैं इसमें, जो एनस होगा बच्चा उसके दो काम होंगे, एक तो फीकल मैटर को रिलीज करना और दूसरा यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करना, तो एक्सक्रीशन भी करता है। तो दो काम होते हैं एनस के, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है एनस मतलब ओपनिंग होगी इसकी, है ना? ये है एनस। तो चले आगे, यस एग्जैक्टली, ठीक है? तो बच्चे यहां पर याद रखना है, अब मैं इनके फंक्शन भी लिख देती हूँ साइड साइड में। तो देखो बच्चा यहां पर सलाइवरी ग्लैंड ऑब्वियसली क्या करेगा, सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करेगा फूड डाइजेस्ट करने के लिए, ल्यूब्रिकेट फूड को, ल्यूब्रिकेट करने के लिए। तो ये क्या करेगा बच्चा, ल्यूब्रिकेट फूड, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा सलाइवरी रिजर्वॉयर क्या काम करता है, ऑब्वियसली सलाइवा से जूस निकलवाएगा, सलाइवा निकालेगा जैसे खाना आएगा, ठीक है? ईसोफेगस पेरिस्टाइटिक मूवमेंट से खाने को आगे लेकर जाएगा। फैरिंग से एक छोटी सी ट्यूब है, शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फैरिंग से इसमें। क्रॉप का काम क्या होता है, किसी को पता है बच्चा? यस क्रॉप जो है फूड को स्टोर करेगा, क्वेश्चन पूछता है यहां से। पार्शली डाइजेशन भी करेगा, थोड़ा थोड़ा बहुत पार्शली डाइजेस्ट भी करता है खाने को, ठीक है? डाइजेस्ट भी करेगा। एंड बच्चा दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर गट, यस ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका, फोर गट का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर गट का ये सबसे बड़ा पार्ट हमें दिख भी रहा है, क्रॉप है, ठीक है? उसके अलावा बच्चा यहाँ पर डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन में ये मदद कर रहा है, ठीक है? किसी को पता है गिजार्ड का काम क्या होगा? तो बच्चा गिजार्ड का काम यहाँ पर होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जल्दी बताओ क्या फंक्शन होता है इसका, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में, एब्सोल्युटली, है ना? तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर हिपाटिक सीके हैं, ये दिख रहा है हिपाटिक सीके। हिपाटिक सीके का फंक्शन क्या होता है, तो एब्सोल्युटली हिपाटिक सीके मैंने कहा 6 से 8 नैरो ट्यूब होती हैं, जिसका काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना। तो बच्चा क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा, एब्सोल्युटली डाइजेस्टिव जूस कर दिया सिक्रीट। उसके बाद मिडगट में क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, याद रखना बच्चा मिडगट में क्या होगा, डाइजेशन होगा एंड फूड का एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। लो जी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, ठीक है? उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है हाइंड गट का। तो हाइंड गट में क्या फंक्शन होगा, ऑब्वियसली यहां पर ये
रिलीज करेगा आप फूड को, मतलब फीकल मैटर को रिलीज करेगा। यहाँ पर रेक्टम क्या करता है बच्चा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन रेक्टम, जो भी एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीटरी वेस्ट में भी कुछ पानी बचा होगा उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। और एनस का काम क्या होगा, ऑब्वियसली फीकल मैटर और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल फेंकना, तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, भोजन को पीसना, हाँ भोजन को पीसना तो बेटा ग्राइंडिंग ऑफ फूड गिजर्ड का काम होता है। ठीक है, ये फूड को पीसता है। ठीक है, उसके बाद जो हाइंड गट है बच्चा, हाइंड गट और फोर गट और मिड गट में यही डिफरेंसेस याद रखने हैं। ठीक है, हाइंड गट में वैसे क्यूटिकल भी होता है। ठीक है, तो लाइंड बाई क्यूटिकल मतलब क्यूटिकल एक दांत जैसे स्ट्रक्चर होते, सख्त स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और बच्चा याद रखना फोर गट में भी क्यूटिकल होते हैं, तो फोर गट में भी क्यूटिकल होते हैं लेकिन मिड गट में क्यूटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिड गट है ऑब्वियस सी बात है मिड गट में यहां पर याद रखना नो क्यूटिकल, कोई क्यूटिकल नहीं होते ये यहां पर, इसमें बिना क्यूटिकल के ये होता है। क्यूटिकल एक सख्त लेयर होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, हाँ आजकल शायद भूल गए। अच्छा ठीक है बच्चा, चलो फिर। ठीक है तो आगे, ठीक है प्रिंस, ठीक है तो चलो फिर आगे चलते हैं। इज देयर ए नीट, यस यस बच्चा राजवीर, इट्स देयर, है ना। तो बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम करने वाले हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। और अभी कोई बच्चा एलियरी मसल के बारे में पूछ रहा तो बेटा आ गया तुम्हारा एलियरी मसल, है ना। तो यहां पर याद रखना इनका जो ब्लड होता है उसका नाम हीमोलिम्फ है बच्चा, ये कलरलेस है। और ये जो पूरा ब्लड है इनकी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है, समझे, यहां पर बॉडी कैविटी। यस कॉकरोच बच्चा, बिल्कुल यू आर राइट, निम्फ जो है वो 13 बार मोल्टिंग होकर तब कॉकरोच बनाता है। ठीक है, इनका हार्ट पीछे होता है बच्चा, डॉर्सल साइड होता है, हमारी तरह आगे की तरफ नहीं होता। और उसमें 13 चेंबर होते हैं, देख रहे हो 13 चेंबर हैं बच्चा, और उन 13 चेंबर में से 3 थोरासिक रीजन में होते हैं और 10 एब्डोमन रीजन में होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, कैसा होता है बच्चा, इनके हार्ट में छेद होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया भी बोला जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके हार्ट चेंबर में, ऐसे पोर होते हैं, ठीक है, जिसका नाम ऑस्टिया होता है। तो बच्चा ये लेटरल अपर्चर, अपर्चर मतलब पोर है इनके हार्ट के चेंबर में, जो क्या करेंगे यहां पर, ऑब्वियसली ब्लड इज फिल्ड इन चेंबर्स, तो चेंबर में ब्लड को फिल करते हैं और ये श्योर करते हैं कि ब्लड हमेशा इनका पता है कैसे मूव, कैसे डायरेक्शन में मूव करता है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ ब्लड इनका जाता है। तो ये इंश्योर करता है बच्चा, चेक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, तो ये चेक करेगा कि हमेशा यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो करे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यूनिडायरेक्शनल जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। कहाँ जाएगा बच्चा, पोस्टीरियर से एंटीरियर, तो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ इनका ब्लड जाता है। ठीक है, तो ब्लड का डायरेक्शन, ब्लड की मूवमेंट इस डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल होती है, उसको श्योर कौन करके रखता है, ऑस्टिया करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर, नेक्स्ट है बच्चा हार्ट इज यहाँ पर बच्चा 3 थोरासिक में कहा और मैंने 10 एब्डोमन में कहा, 13 हार्ट चेंबर, 3 थोरासिक रीजन, 10 एब्डोमन, काहे कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हार्ट इनका न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक मतलब क्या, नर्व्स कंट्रोल करते हैं इनका हार्ट बीट। ठीक है, तो नर्व्स कंट्रोल करेगा हार्ट बीट, याद रखना बच्चा। हमारे केस में मायोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक मतलब मसल कंट्रोल करेगा हार्ट बीट को। ठीक है, उसके बाद एलियरी मसल्स का काम क्या होता है, 12 पेयर्स फैन शेप्ड मसल होते हैं बच्चा, फैन मतलब पंखे जैसे, है ना, फैन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम क्या होता है, ऑस्टिया को बंद करना और खोलना। तो यहां पर क्या करेगा, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टिया, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ किसका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टिया, राइट। तो ये इसका फंक्शन होता है, ऑस्टिया को बंद करेगा और खोलेगा। ठीक है, चलिए जी अब इतना ही था इसमें जितना तुम लोगों को याद रखना है। एंटीरियर अरोटा का, एओटा का काम क्या होता है, ये ब्लड को सप्लाई करेगी, सप्लाइज ब्लड टू हेड, तो बच्चा हेड में ब्लड को पहुंचाएगी, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, और इसके हार्ट जो चेंबर होते हैं, ऑब्वियसली इसका हार्ट
फनल शेप्ड का होता है जो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। हार्ट चेंबर फनल शेप के होते हैं, ठीक है। कितने चेंबर होते हैं? ऑब्वियसली 13 चैम्बर होते हैं, 3 थोरैसिक और 10 एब्डोमेन रीजन में। यस, तो ब्लड कैसे फ्लो करता है? पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। कौन यहां पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड करवाएगा? ऑस्टिया करवाएगा बेटा, ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, अब इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो बच्चा एक्सक्रीटरी सिस्टम याद रखना, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, ठीक है। मैल्फीजियन टिब्यूल जो मैंने अभी पीछे बताया, 100 से 150 टिब्यूल जो कि हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन में प्रेजेंट होता है, वो एक्सक्रीशन में मदद करता है। समझ में है? यस, ठीक है। एलियरी, यस बच्चा, एलियरी मसल का सतवीर यही काम होता है कि यहां पर ये 12 पेयर फैन शेप्ड मसल है जो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ऑब्वियसली ब्लड को आगे पुश करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में देखो यहां पर नहीं पढ़ना है हमने, ऑल्दो मैं इसका पूरा मैकेनिज्म बताती कि कैसे पुश करेगा ब्लड को, बट वी डोंट हैव टू स्टडी इट, राइट। जो इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, है ना। फैट बॉडी भी इसमें होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि यहां पर क्या करेगा बच्चा, पोटेशियम यूरेट को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। नेफ्रोसाइट भी होता है जो वॉल ऑफ हार्ट पर एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करेगा। यूरोकोज ग्लैंड भी होता है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है, मशरूम ग्लैंड के साथ, मेल में ग्लैंड होता है मशरूम ग्लैंड, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर क्या काम होता है बच्चा, इन सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट का मतलब इन सारे ग्लैंड्स का, तो ऑब्वियस ही बात है यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करना, ठीक है, जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो देख रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, बहुत सारी ट्यूब से मिलकर बना होता है, ठीक है। पूरा ट्रैकियल सिस्टम होता है, बहुत सारी ट्रैकिया इनमें ऐसे होंगे, पूरा ट्यूब सिस्टम होगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा ट्रैकियल सिस्टम इनका। उसके अलावा यहां पर इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती है, याद रखना, इनमें कोई हीमोग्लोबिन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। इनकी बॉडी में ओपनिंग होती है बच्चा, लेटरल साइड में ओपनिंग होगी इनकी बॉडी के, जो खुलेगा इस पर्टिकुलर ट्रैकिया में, है ना। तो ये पूरी ट्रैकिया है इनकी, तो देख रहे हो ट्रैकिया में छोटे छोटे सेगमेंट्स भी हैं, मतलब क्यूटिकल की सर्कुलर लेयर होती है, ठीक है। तो क्यूटिकल से बनी हुई सर्कुलर लेयर होती है जो ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर ट्रैकिया को सपोर्ट कौन देता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे ये कोलैप्स ना हो जाए, कौन प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली क्यूटिकल रिंग। तो पूरी क्यूटिकल रिंग्स होती हैं काइटिन से बनी हुई, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया छोटे छोटे पाइप्स में खुलेगी, जिनका नाम होता है ट्रैकियोल, और ट्रैकियोल फिर बॉडी मसल और बॉडी सेल तक लेकर जाएगा क्या, ऑक्सीजन को, और एक्सचेंज करेगा गैसेस को। तो स्पाइरिकल ओपनिंग होती है बच्चा इनकी लेटरल बॉडी में। कितनी ओपनिंग होती है? टोटल 10 पेयर ओपनिंग होती है बेटा, जो क्या करेगा, ऑब्वियसली 2 पेयर थोरासिक रीजन में होती है, 8 पेयर एब्डोमेन रीजन की लेटरल साइड पर ओपनिंग होती है, जहां से ऑक्सीजन अंदर आएगा और बाहर जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। तो बच्चा ये सारे काम, ये सारे फंक्शन इसके याद रखने हैं कि ट्रैकिया पूरा पाइपलाइन सिस्टम है, एंड ऑब्वियसली यहां पर इन ओपनिंग का काम क्या होता है, क्लोजिंग ओपनिंग करना स्पाइरिकल की एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जब ऑक्सीजन लेनी है या बंद करनी है उस इस अकॉर्डिंग, ठीक है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा पोर्शन है इसका, तो बेटा ये चीज याद रखना है इसके बारे में। और यहां पर देखो ये जो ट्रैकियोल है, इसमें ट्रैक्यूलर फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, सेल और ट्रैकिया के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पाइरिकल्स, बहुत सारे ट्रैकिया इसमें होते हैं, ठीक है। तो चलिए जी फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब इनका नर्वस सिस्टम देख लेते हैं जरा। तो बच्चा जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रेन जो है, ब्रेन इनका रिप्रेजेंट होता है, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियॉन इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, है ना। कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन को बच्चा गैंग्लियॉन बोलते हैं, तो यहां पर इनके हेड रीजन में होता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियॉन, उसको बोलते हैं। तो ये दिख रहा है बच्चा, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियॉन है, ठीक है। उसके बाद
बाद इनमें 9 सेगमेंटेड गैंग्लियॉन होते हैं, पूरी बॉडी में 9 गैंग्लियॉन होते हैं। तो यहाँ पर 3 थोरासिक रीजन में और 6 पेयर एब्डोमिनल रीजन में होता है, तो टोटल 9 होते हैं, 3 थोरासिक और 6 एब्डोमिनल में, ठीक है। और इनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो आगे की तरफ होता है डबल, ठीक है, तो डबल वाला होता है, ये चीज याद रखना है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं हेड रीजन में। तो यहाँ पर हाँ देखो बच्चा, पहला पेयर जो होता है वो सिंपल आई को करता है यहाँ पर, ऑब्वियसली आईज को यहाँ पर क्या करता है, इनर्वेट करता है। तो ये इन्होंने ये हटा दो, ये मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोरासिक रीजन एब्डोमिनल रीजन का याद रखना है। तो थोरासिक गैंग्लिया से कुछ नर्व भी निकलती हैं जो क्या करेंगी, थोरासिक पार्ट के रीजन को कंट्रोल करेंगी। एब्डोमेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं बच्चा जो एब्डोमेन रीजन को कंट्रोल करेंगी। तो इनमें याद रखना क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं, ठीक है, टोटल 9 सेगमेंट होते हैं, टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। 3 थोरासिक रीजन, 6 एब्डोमिनल, तो एब्डोमिन वाले एब्डोमिन की बॉडी को कंट्रोल करते हैं, थोरासिक वाले थोरासिक रीजन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनका हेड काट भी दिया जाए तो बच्चा ये तब भी जिंदा रहेंगे कुछ दिन तक, क्यों, क्योंकि इनका जो हेड होता है, जो गैंग्लिया होता है, वो सिर्फ सर पे नहीं प्रेजेंट होता, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहां पर पूरी बॉडी में इनका नर्वस सिस्टम है, तो मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो बच्चा यहां पर क्लियर हुआ, तो इसलिए अगर इनका हेड काट भी दिया जाए तो ये पानी के बिना मर जाते हैं, खाने के बिना मर जाते हैं, मेनली पानी की वजह से ये मर जाते हैं, इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये है बच्चा, इसलिए इनका हेड काट दो तो कुछ दिन ये जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर 3 थोरासिक होते हैं बच्चा, 6 गैंग्लियॉन एब्डोमिन रीजन में, टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं। इनका जो नर्व कॉर्ड है वो डबल सॉलिड और वेंट्रल होता है, तो इनका नर्व कॉर्ड कैसा होगा बच्चा, डबल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, नर्व कॉर्ड इनका डबल होगा, नर्व कॉर्ड कैसा है बच्चा, डबल होगा, और ऑब्वियसली कैसा होगा, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो चलिए जी, फिर आगे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या होता है, इसके टेस्टीज होगी, 1 पेयर टेस्टीज है, जो कौन से सेगमेंट में होती है, 4, 5, 6 सेगमेंट में। तो ये देख लो, ये टेस्टीज है, कौन से सेगमेंट में होगी बच्चा, 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में इनका टेस्टीज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहां पर देखो वास डिफरेंस, तो देखो ये टेस्टीज कहां खुल रहा है, फिर वास डिफरेंस में खुल रहा है, तो बेटा ये ट्यूब वास डिफरेंस होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो वास डिफरेंस के बाद यहां पर सेमिनल वेसिकल है जो स्पर्म को स्टोर करेगा, तो ये पूरा सेमिनल वेसिकल यहां पर होता है, ठीक है, क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है ये, ठीक है। उसके बाद मशरूम ग्लैंड है, 6th 7th एब्डोमिनल कैविटी में होता है बच्चा, 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, एग्जैक्टली, ठीक है, पढ़ना एग्जैक्टली। कॉकरोच लगता आसान है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा ये, ठीक है, इनके एक एक सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। तो यहां पर देखो, जो मशरूम ग्लैंड देख रहे हो सब, यहां पर मशरूम ग्लैंड देखो बच्चा, ठीक है, तो जो मशरूम ग्लैंड होता है ये इंपॉर्टेंट इनका है। तो देखो यहां पर जो होगा 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोफोर स्पर्म पैकेट होता है, जो कि स्पर्म पैकेट मतलब ऑब्वियसली स्पर्म जो होते हैं वो चिपक कर एक पैकेट में स्टोर हो जाए, एक पैकेट की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है, एक बॉल की फॉर्म में निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। फैलिक ग्लैंड होता है जो यहां पर स्पर्मेटोफोर की कवरिंग बनाता है, फेलोमियर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, जेनिटल पाउच 9th स्टर्नम में होता है, और ये क्या करेगा, इसको कवर करेगा डॉर्सली बाय 10th टर्गम। तो बच्चा जेनिटल पाउच मैंने अभी बताया था कि कौन कौन से सेगमेंट में होता है, 9th स्टर्नम, 9th और 10th टर्गम में, ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा आगे जाकर, है ना। तो टेस्टीज कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में है, अभी हमने देखा, अभी इसको पीछे, है ना। उसके बाद देखो बच्चे, यहां पर जो है सेमिनल वेसिकल का काम मैं बता चुकी हूँ कि स्पर्म को स्टोर करना है, टेम्पररी स्टोर करेगा, स्पर्म को स्टोर करेगा प्लस मेच्योर करेगा, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है बेटा, लिख लो बुक में साइड में, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है देखो, ये मशरूम ग्लैंड होती है जिसमें स्मॉल ट्यूब और लार्ज ट्यूब होता है, तो स्मॉल ट्यूब का नाम होता है यूट्रिकल ब्रिव्योर्स। तो बच्चा यूट्रिकल ब्रिव्योर्स स्मॉल ट्यूब का काम हो नाम होता है, और लॉन्ग ट्यूब का नाम पता है क्या होता है, यूट्रिकल मिजोरिस होता है। तो ये मशरूम ग्लैंड के दो
दो पार्ट है, याद रखना ठीक है। और मशरूम ग्लैंड कहाँ पर होता है? 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में, ये दोनों मशरूम ग्लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चा? मशरूम ग्लैंड। इसका पूछा था कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, ठीक है। तो 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट है, याद रखना ठीक है। उसके बाद भाई इसका फंक्शन क्या होता है स्मॉल टिब्यूल का? तो बेटा स्मॉल टिब्यूल का फंक्शन होता है यहाँ पर जो यूट्रिकल ब्रिव्योर्स है उसका फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? स्पर्म को। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और लॉन्ग टिब्यूल का काम क्या होता है बच्चा? ये स्पर्मेटोफोर की इनर लेयर बनाएगा। तो इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर ये बनाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोफोर में 3 लेयर्स होती है बेटा, ये इनर बनाता है, याद रखना। स्पर्मेटोफोर पूछूंगी मैं अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कौन सी ग्लैंड्स हैं? यहाँ पर अभी मैंने बताया वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस से ये स्पर्म जाएगा, है ना। स्पर्म फिर कहाँ पर जाएगा? सेमिनल वेसिकल में स्टोर होगा, मैच्योर होगा। उसके बाद और कौन सी ग्लैंड है यहाँ पर? देखो यहाँ पर फिर इजैकुलेटरी डक्ट भी है, दिख रहा है यहाँ पर, ये पीली कलर की इजैकुलेटरी डक्ट है बच्चा। इसका फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर ये मिडल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर बनाएगी। तो मैंने कहा स्पर्मेटोफोर में 3 लेयर होती हैं, मिडल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर यही बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर स्पर्मेटोफोर क्या है? वो बॉल है जो कि स्पर्म को ग्लू करके रखेगा आपस में, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहां पर देखो नेक्स्ट जो है ये फेलोमेयर्स इसमें होंगे, वेंट्रल फेलोमेयर, राइट फेलोमेयर, लेफ्ट फेलोमेयर, फेलोमेयर कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर है इसके। तो फेलोमेयर क्या होते हैं? कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर। स्यूडोपेनिस जो है वो कॉप्यूलेशन में मदद करेगा, हेल्प ओनली इन कॉप्यूलेशन। तो ये सिर्फ कॉप्यूलेशन में मदद करता है, मतलब फीमेल के जेनिटल पाउच को खोलेगा और उसमें स्पर्म को ये नहीं डालेगा, स्पर्म तो गोनोपोर डालता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। टिटिलेटर भी क्या करता है? ऑब्वियसली फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खोलने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर ये सारे पोर्शन हमने देखे इनके फंक्शन के साथ, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी एक होता है, फैलिक ग्लैंड को कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बच्चा ये जो कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड है वो पता है क्या करता है? ये स्पर्मेटोफोर की आउटर लेयर बनाता है। किसकी आउटर लेयर बनाता है? आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। तो बेटा स्पर्मेटोफोर की 3 लेयर होती है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोस्पर्म निकलता है वो ग्लू होकर निकलता है, और इसको ग्लू कौन करता है साथ में? सेमिनल वेसिकल जो करता है बच्चा, स्टोर और ग्लूड स्पर्म टुगेदर, स्पर्म को ग्लू करता है साथ में, ठीक है। और इसके अराउंड 3 लेयर बनाता है स्पर्मेटोफोर के अराउंड, 3 लेयर, पहली दूसरी और तीसरी लेयर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पहली लेयर कौन बनाता है? जल्दी लिखो अब चैट बॉक्स में, ठीक है बच्चा। तीनों लेयर्स के मैंने नाम बता दिए, कौन कौन बनाता है जल्दी बता दो। यस, तो यहां पर जो स्पर्म है बेटा ये स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म में 3 लेयर्स कौन बनाता है यहां पर? आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर, ठीक है। तो इनर लेयर कौन बनाता है? तो ये इनर लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये आउटर लेयर है। मैंने तीनों लेयर्स बता दिया कौन कौन बनाता है। तो देखो आउटर लेयर कॉन्ग्लोबेट बनाता है, मिडल लेयर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, और इनर लेयर लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड बनाता है, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे फंक्शन मैंने बता दिए। उसके बाद यहां पर जो है स्पर्म कहाँ निकलेगा? इजैकुलेटरी डक्ट से गोनोपोर के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। किसके फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में, जिसको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो बच्चा याद रखना कॉपुलेशन के टाइम पर जो स्पर्म निकलेगा वो स्पर्मेटोफोर की उससे निकलेगा, ठीक है। तो फ्लो कैसा है? तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टीज से जाएगा। कहाँ पर? टेस्टीज से वास डिफरेंस में जाएगा, पहला टेस्टीज है, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, फिर यहाँ पर सॉरी सेमिनल वेसिकल में जाएगा, है ना। मशरूम ग्लैंड उसको नरिश करेगा, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलेगा, गोनोपोर के थ्रू फीमेल में चला जाएगा स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या है? पूरा स्पर्म का बंडल है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं बच्चा ऑब्वियसली, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बेटा यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सारा लिख दिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन अब किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो बच्चा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम पार्ट पढ़ेंगे तो यहां पर देखो ओवरीज 2 होती है, ठीक है। तो ओवरी होती है 2 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। कहां पर होती है बच्चा? क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बेटा ये बुक में ही लिख लो साथ साथ में, ठीक है। ये यहां पर प्रेजेंट होता है,
एक-एक ओवरी में बच्चा 8 ओवेरियोल्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, तो एक-एक ओवरी में कितने ओवेरियोल्स होते हैं बच्चा? 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ओवेरियोल्स मतलब कंपार्टमेंट है इन ईच ओवरी। और पता है तुम लोगों को, एक-एक ओवरी में जब 8 ओवेरियोल है तो यहां पर ईच ओवरी 16 ओवा बनाती है पर ओवरी। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछेगा कि पर ओवरी में कितने ओवा निकलते हैं? 16। ठीक है, उसके बाद ये खुलेगा कॉमन ओविडक्ट, सॉरी ओविडक्ट में खुलेगा, दोनों ओविडक्ट कॉमन वजाइना या कॉमन ओविडक्ट में खुलते हैं। दिख रहा है यहां पर स्पर्मीथीका का मैंने पहले ही फंक्शन बता दिया। स्पर्मीथीका का फंक्शन क्या होता है बच्चा? स्टोर करना स्पर्मेटोफोर को। तो जो यहां से स्पर्मेटोफोर आएगा मेल से, वो जो तीन लेयर के अंदर जो स्पर्म आएगा उसको, पैकेट को स्टोर कर देता है यहां पर। ठीक है, और ओवा निकलेगा बेटा यहां पर जेनिटल चैंबर में निकलता है ओवा। ठीक है, ये जो पेड़ जैसा दिख रहा है सींग जैसा बेटा, ये कोलेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं। तो कोलेट्रियल ग्लैंड का मैंने पीछे भी फंक्शन बताया, तो तुम लोग बताओ जरा कोलेट्रियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा, जल्दी बता दो। ये ऊथीका बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऊथीका अराउंड फर्टिलाइज्ड एग, फॉर्मेशन ऑफ ऊथीका बनाता है बच्चा। ठीक है, क्योंकि एग निकलेगा यहां पर, आएगा जेनिटल चैंबर में, स्पर्मीथीका से फिर यहां पर बाहर स्पर्मीथीका स्पर्म निकलेंगे बाहर और इसको फर्टिलाइज करेंगे जेनिटल चैम्बर में, जेनिटल पाउच में। तो बेटा जेनिटल चैम्बर में क्या होगा? ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होता है इस एरिया में। ठीक है, तो यहां पर जो है कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म को स्टोर करेगा यहां पर, और ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। और जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसके अराउंड ऊथीका कौन बनाता है बच्चा? यहां पर ऊथीका बनाता है कोलेट्रियल ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर ऊथिका बना दिया कोलेट्रियल ग्लैंड ने फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड। ठीक है, तो याद रखना बच्चा इस तरीके से इनका होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये है इनका पूरा प्रोसेस। एक ऊथीका में पता है, एक ऊथीका की अगर बात करेंगे, वन ऊथीका में कितने ओवम होते हैं पता है किसी को? जल्दी बता दो, एक ऊथीका में कितने ओवम होते हैं? तो बच्चा वन ऊथीका में जो ओवम होते हैं वो दो रोज में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अरेंज्ड इन टू रोज। तो यहां पर इनमें जो एग होते हैं फर्टिलाइज्ड एग है ना, तो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं बच्चा दो रोज में अटैच्ड अरेंज्ड होते हैं। और याद रखना जो ऊथीका होगा वो क्या करता है यहां पर? ऑब्वियस सी बात है ईच ऊथीका में होते हैं एवरेज 160 एग। ठीक है, सो यहां पर सॉरी 160 नहीं, 14 से 16 एग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऊथीका में 14 to 16 eggs होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, कितने एग्स होते हैं बच्चा? 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। और यहां पर एक टाइम में कितने ऊथीका देगा? 9 to 10 ऊथीका एक टाइम में देता है। कितने ऊथीका देता है बच्चा? 9 to 10 ऊथीका एक टाइम पर आर डिस्चार्ज्ड इन फीमेल, है ना। तो ऊथीका पता है कैसा होता है? एकदम पर्स जैसा होता है, देखा भी होगा, और उसको चिपका देता है ये कहीं पर भी, किसी सीक्रेट जगह पर चिपका देता है उनको। और जैसे वो ऊथीका बाहर निकलेंगे तो 9 से 10 ऊथीका बना रहा है, तो मतलब एवरेज कितने एग देगा बच्चा? ये 160 एग। तो देख लो पूरी भरमार निकलेगी, पूरी फौज निकलती है कॉकरोच की एक टाइम में, है ना। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना बच्चे इनमें जो एग होता है उसमें योक बीच में होता है। योक कहां पर होता है बच्चा? सेंटर में। ठीक है, इस जिस जिसमें योक सेंटर में होगा उसको बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रोलेसिथल एग बोलते हैं, ये चीज याद रखना है। ठीक है, और यहां पर जो डिविजन होगी ऑब्वियस सी बात है वो बाहर बाहर से होती है, योक की टाइम योक की जगह पर डिवीजन नहीं होती है, सुपरफिशियल डिवीजन है। ठीक है, तो याद रखना इनमें डिवीजन कैसी होगी? सुपरफिशियल डिवीजन होगी, क्लीवेज होगी। ठीक है, तो यहां पर बाहर बाहर से ये टूटेगा, एग्जैक्टली है ना। उसके बाद बच्चे यहां पर निम्फ होता है इनका लार्वा। क्या होता है? निम्फ इनका लार्वा होता है। ठीक है, तो निम्फ से एडल्ट बनेगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, तो मैं ये भी बता ही देती हूं। ठीक है, तो यहां पर इसको फिर करेंगे एंड। तो बच्चे यहां पर याद रखना कि निम्फ और एडल्ट में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी बता दो प्यारे बच्चों। यस, तो निम्फ होते हैं स्मॉल साइज के, छोटे छोटे होते हैं, और यहां पर एडल्ट होता है लार्ज साइज का। कैसा होता है बच्चा? लार्ज साइज का। उसके बाद यहां पर कोई पिगमेंट्स नहीं होते हैं, नो पिगमेंट्स। तो यहां पर एडल्ट में जो है
पिगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है, मतलब डार्क कलर के ये होते हैं, पिगमेंटेड बॉडी होती है। उसके अलावा इनमें विंग्स नहीं होते बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो विंग्स, लेकिन यहाँ पर विंग्स होते हैं, विंग्स प्रेजेंट हैं जो सिर्फ अडल्ट में ही दिखेंगे। कोई गोनाड्स नहीं होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चा, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट हैं तो मतलब रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। और निम्फ जो है वो 13 मोल्टिंग के बाद अडल्ट में कन्वर्ट होता है, 13 मोल्टिंग एज पर एनसीईआरटी, है ना। तो 3 बार ये मेटामॉर्फोसिस करेगा, 13 बार ये अपनी स्किन को शेड ऑफ करेगा, और तब जाकर ये कन्वर्ट होगा किसमें, हाँ, तो यहां पर जो है अडल्ट में कन्वर्ट होगा, दैट्स ऑल। तो बच्चा आई होप सारी चीजें अब क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो देखो जितने क्वेश्चन पूछने थे हमने वन शॉट कॉकरोच में बिल्कुल कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा कॉकरोच में, ठीक है, दैट्स ऑल। और अब तुम लोग अगर करोगे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व, तो बेटा यहां पर अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो जी करते हैं अब इसको वाइंड अप, ठीक है। हाँ, अरे अरे बच्चा नहीं प्रिंस, क्या चल रही है यहां पर लड़ाई? यस एब्सोल्युटली, लड़ाई झगड़ा नहीं करो बच्चा, मैम इसकी पीडीएफ मिलेगी प्लीज। हाँ बच्चा रस्टी, इसकी पीडीएफ बेटा मैंने कहा तो था कि यहाँ पर जो है ऑफिशियल साइट को ज्वाइन करो, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो, पहले मैं ये बता देती हूँ एक बार, क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड, प्रॉपर असाइनमेंट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर असाइनमेंट है, डाउट मिलता है, पर्सनल टीचर्स मिलते हैं, तो बहुत सारी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो वैसे तो दिस कोर्स फॉर 10,000, बट यूजिंग RMCC कूपन कोड यू कैन अवेल इट इन 7,000, 30% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा क्रैश कोर्स का, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ देयर, है ना, RMCC कूपन कोड के साथ 30% डिस्काउंट में। इंडिया के बेस्ट टीचर बच्चा 120 सेशन में पूरा का पूरा कवर अप करेंगे इसको, अनलिमिटेड डाउट सेशन होंगे जिसमें तुम लोग अगली क्लास में जब जाओगे तो पूरे डाउट क्लियर करके जाना, तो सबसे बेस्ट चीज है। टेस्ट हो रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट मिलेगा, बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तो मतलब ये सारा बेनिफिट होता है इसका। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कोई मिस कर दी क्लास और तुम्हें लाइव ही पढ़ना है टीचर से, तो बच्चा यहां पर इनके छोटे छोटे माइक्रो कोर्स भी इसके साथ मिलते हैं, फ्री में होते हैं वो सारे। 22 मार्च, 5 अप्रैल को एक बैच शुरू हुआ, एक 12 अप्रैल को हो रहा है, 7 जून को, 17 जुलाई, 24 जुलाई, तो ये सारी डेट्स हैं बच्चा। और यहाँ पर जो है 12 अप्रैल के लिए ऑब्वियसली यू कैन रजिस्टर नाउ, RMCC कूपन कोड के साथ 30% डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ। एंड बच्चा ऑब्वियसली यहाँ पर जो है, हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है RMCC कूपन कोड के साथ जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं, 12 अप्रैल से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। बच्चे पीडीएफ कैसे मिलेगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जैसे इसको क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाना इसमें, और जितना पढ़ाया है मैंने आज वो सारा इसी ग्रुप में शेयर होता है, ठीक है। सारी नोटिफिकेशन शेयर होती है, क्विजेज होती हैं, टी शर्ट मिलेगी, तो मतलब ये सब होता है। जो प्यारे नए बच्चे हैं बच्चा, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, ठीक है। तो बच्चा आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लेट मी जस्ट एंड दिस सेशन बिकॉज यू हैव बाकी क्लासेस भी है, तो जाके उसको करो, है ना। मैम ये तो लर्न हो गया, थैंक्स अ लॉट बच्चा कॉकरोच, है ना। तो यहाँ पर जो है मैम उनको बोलो बाहर मिलो, किसको बाहर मिलो बच्चा, एग्जिट आ सोना बता देना अनु, देखो जरा, ठीक है। तो चलो बच्चा तुम लोगों की क्लासेस चल रही हैं अब जाकर, बिल्कुल मैम की क्लास चल रही होगी तो जाकर अब उनकी क्लास अटेंड करो। एंड थैंक्स अ लॉट टू लिसन टू मी केयरफुली, एंड इट वाज रियली सो अमेजिंग टाइम विद यू ऑल, हैव अ नाइस डे बच्चा, लव यू ऑल, वर्चुअल हग सबके लिए, ठीक है, ओके मैम, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चा। प्रिंस, राहुल, सुरंजना, मेघा, कॉकरोच, ओके मैम, हाउस माई प्रेजेंस, इट वॉज ग्रेट बच्चा, सौंदर्य, लव यू अलॉट बच्चा, सौंदर्य, प्रिंस, नाइस प्रिंस, मिलते हैं बच्चा कल, प्रकृति, मंचीत, ठीक है, मिलते हैं कल, सुरंजना, अनुप्रिया, दिव्यांशु। तो चलो बच्चा जाओ तुम लोग क्लासेस ले लो अपनी, ठीक है।